तो भाई ये खाना लेके जा रहा है दादू का, जल्दी जाइयो जल्दी आइयो। तो दोस्तों अभी एक गुड न्यूज़ मिली है, करीब करीब साल भर पहले एक सीरियल करके आया था बंकू, और वो था निम्ब का चार, ये ऐसे कुछ सीरियल का नाम था। ये भी गुड न्यूज़ है हमारे लिए। तो भाई कल उसका बर्थडे था और आज हमारे को सीरियल देखने को मिल गया, अच्छा लगा मुझे। ये रहा अपना बच्चा, कल उसका तुम भी चलो हमारे साथ। अच्छा बताओ है ना भाई, अच्छी सी चीज खेलने में बहुत आनंद आता है। अरे इधर बाइक थी, इधर कार थी, वो इधर थी गाय, वो गाय पहले से ही किसी से थी, दूसरी थी। वो बंदे ना तीन चार बंदों ने सेम उसका ना गर्दन मोड़ दी उसकी, कि उस साइड पल्ली तरफ। तो वो घूमते घूमते इधर हम लोग थे, कार के पीछे से आई और जब हमको धक्का मारो मांगे हमारी तक आए, तू भाग। इतने में मैं जैसे उतरा था ना, फोन भी था मेरे बाइक पे वहीं लगा हुआ था, मैं फोन इतने में तो उनसे सीट से खदेड़ दी बिल्कुल। 15-20 मिनट तक तो रोन रोन मेरे को पूरा। तो गाइस ये देखिए वो कितना सामान लाएंगे हमारे खाने के लिए, अभी और भी आ रहा है। कोई आकर कैमरा ले जाए, कैसे व्लॉग बनाऊंगा मैं, ये है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सारे अच्छे ही होंगे और मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। मस्त सी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और स्वागत करता हूँ अपने चैनल सचिन व्लॉग में। और आज का क्या प्रोग्राम देखो, अभी तक मैंने कपड़े नहीं पहने, नहाने जाता हूँ, नहा के फिर कपड़े पहनूंगा और फिर चलते हैं एक जगह, और शाम को कुछ देखते कुछ प्रोग्राम बना लेंगे। कल का व्लॉग आपने देख ही लिया होगा, जो कि था पंकू का बर्थडे का सरप्राइज, जो कि अभी दिया नहीं है, अभी देंगे, दिया नहीं है देंगे, ऐसा दे देंगे कुछ ना कुछ तो ऐसा आई। और ये जा रहा है दादू का खाना देने, और वहाँ वहीं की वहीं अपना शूट भी करके आएगा। अभी मैं भी नहा लेता हूँ, मैं भी थोड़ी देर पहले उठा था, लग रहा हूँ ना नहाया हुआ था लेकिन अभी नहाया नहीं, कोई बात नहीं अभी नहा लेंगे। और ये इनको उसकी मम्मी को कहीं काम से भी जाना है, वहाँ पर ये व्लॉग बनाएगा, मैं इसके जाऊँगा शूट करने, तो शूट करना दिखाता नहीं है। आप मेरे पहनने जाओगी कि मैं पहनने जाऊँ? अरे करवाने जाऊँगा गधेले, कराने मैं पहनने जाऊँगा। हाँ तुम करने जाओगे। तो फिलहाल ये तैयार हो चुका है, जा रहा दादू को खाना देना है, वहीं के वहीं शूट करके आएगा और चलेंगे शाम को कहीं बढ़िया सी जगह पर। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई ये खाना लेके जा रहा है दादू का, जल्दी जाइयो जल्दी आइयो है ना। और यहाँ हमारे कान्हा जी छठी तक वो ऐसे ही रहेंगे हमारे पास, अभी इनके मंदिर पे नहीं, बाय बाय बाय, अभी मंदिर पे नहीं, अभी यहीं उनका भोग भोग लगाया अभी केले और दूध का। तो चलो वो तो चला गया, मैं भी नहा लूँगा अभी थोड़ी देर में, उसके आने से पहले नहा लूँगा। तो भाई तुम्हारा भाई नहा दो के रेडी हो चुका है, ये देखो पूरा रेडी हो चुका है, और मैंने सर पर मांग लिया, अभी करूँगा सेट करूँगा दोबारा से। कैप यार मेरे को सूट नहीं करती, इसलिए मैं कैप लगाना पसंद नहीं करता, तो मैं फिलहाल ये बांध लेता हूँ, कोई बात नहीं। दो बज चुके हैं, आपको दिख भी रहा होगा, और चलो अंदर खाना रेडी हो चुका है, खाना खाते हैं और फिर हम निकलते हैं। ओह माय गॉड खाना आ गया। तो भाई खाने में देखो ये क्या खा रहा है, कैसे लेट के खा रहा है, इधर इसकी मम्मी इसको खाना खिला रही है, ये देखो तो लोग भी चला रखा है इन्होंने। तो चलो भाई खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे, बैठ जाता हूँ इनके पास ही, एक साथ खा लेते हैं सारे, चलो मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों अभी एक गुड न्यूज़ मिली है, करीब करीब साल भर पहले एक सीरियल करके आया था बंकू, और वो था निम्ब का चार, ये ऐसे कुछ सीरियल का नाम था। वो मथुरा में वृंदावन बरसाने में हुआ था, हाँ वो शूट इसकी मम्मी गई थी उसके साथ, और वो शूट देखो आज हमें देखने को मिला है और आज ही रिलीज़ हुआ है, शायद आज हुआ है, दो चार दिन पहले रिलीज हुआ, मुझे नहीं पता। और ये भी गुड न्यूज़ है हमारे लिए। तो भाई कल उसका बर्थडे था और आज हमारे को सीरियल देखने को मिल गया, आगे आ गया ज़्यादा, हाँ देखो अब आ गया, ये रहा फिर चला गया, ये रहा देख लो भाई। तो भाई अच्छा लगा मुझे, ये रहा अपना बच्चा, कल उसका तुम भी चलो हमारे ये साथ। अच्छा बताओ है ना भाई, अच्छी सी चीज खेलने में बहुत आनंद आता है। हाँ बिल्कुल आता है। और तो भाई मेरे को तो बहुत खुशी है, मेरे बच्चा एक बार और सीरियल में आ चुका है और बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है उसके ऊपर कि ऐसे तरक्की करता रहा, बस यही चाहता हूँ मैं।
इसको मैं बड़े दिन से देख भी रहा था कि कब देखने को मिलेगा, तो मेरे को आज देखने को मिल ही गया। तो बैठो, ये बरसाने में हुआ था शूट इसका। ये देखो तो दोस्तों, बाहर का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है भाई। अच्छा हो रहा है, धूप तो नहीं है कहीं पे भी। मौसम बना हुआ बारिश का, कर रही है ना इस वजह से। तो फिलहाल चलते हैं शूट की तरफ, और बंकू जा रहा है अपनी मम्मी को लेकर कहीं से काम से, तो आगे का व्लॉग वो करेगा कंटिन्यू। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो भाई लोग, अभी मैंने अपनी शर्ट चेंज कर ली है। मैंने बोला चेंज कर ले, क्योंकि नीचे मेरी ब्लू जीन्स है, उस पर मैंने ग्रीन पहन रखी थी शर्ट, तो मम्मा ने बोला चेंज कर ले, अच्छी नहीं लग रही है। तो थोड़ी गालियाँ सुनने के बाद चेंज कर ली मैंने, और अभी व्यू शूट पर जाएगा, और हमें जहाँ जाना है मैं वहाँ जाऊँगा मम्मा के साथ में। तो चलते हैं फटाफट से। तो भाई आ गए अभी हम, और अभी हम जा रहे हैं रीना आंटी के यहाँ पे, जानते ही होगे तुम लोग, मम्मा की फ्रेंड, तो उनके घर पे जा रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं, अभी वो शूट पर गया हुआ है, पापा ने हमें छोड़ा आधे रास्ते, आधे रास्ते खुद आ गए। जैसे उतरा था ना, फोन भी था मेरे, बाइक पे वही लगा हुआ था, मैं खोया इतने में तो उनने सीन से खड़े थे कुछ 15-20 मिनट तक, तो उन्होंने मेरे को पूरा वो 150-200 बंदा सब छुटा दे, वो पिंडी ना छोड़ दी मेरा पीछे ही पड़ गई पूरे। फिर रात के 12 बजे तक आए, फिर 12-1 बजे हॉस्पिटल गए थे हेड के पास, जहाँ का कह रहे थे वो मास्क फटा हुआ है, यहाँ की वो शिकायत करो या पूरा ये फिर भी इतना भारी कड़ा पहन रखा है, ग्रिपर लगा बेटा इसमें। हाँ नहीं, उनने बांधने के कह रहे खाली शिकायत करो बस, अभी ऐसा छोड़ दो उसे, बाकी घुटने ये सब जोड़ ये सब दर्द है, घुटने फूट गए, कमर उमर पूरी नील बिल पड़े ना, चढ़ गई थी ना छाती वाती पर, अगर गर्दन वर्दन पर रखती तो डी एंड तो मर जाती। उसकी जैसे वो काट रहे, मैं उसकी गर्दन दोनों हाथों से हो गए ताकि कुछ करे ना, वो तो इधर उधर से घूम के मेरा भाई बच गए। 15-20 मिनट बाद सरदार जब 15-20-200 बंदे खट्टे हुए, जब जाकर वो गाय के सिंह पकड़ के दूर ले गए, वरना तो गीतरगंज थाने की। हाँ मैं थाने की साइड था, गाय उस साइड थी पल्ली, वहाँ तो गायें बहुत हैं भैया, हमारे यहाँ बहुत गाय हैं, मेरे को तो सही में ही बंक उठ जाता है, मेरे को खुद डर लगता है। भैया के ऊपर चढ़ गई गाय, चोट लगी बहुत ज्यादा, डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर बेड रेस्ट करो बाकी। तो भाई अभी आ चुके हैं यहाँ पे समोसे और ब्रेड पकौड़े, हमारी आंटी कर रही है अच्छे से खातिरदारी, ये देखो इतना सारा, ये तो मैं ख़त्म भी कर गया, इतनी बढ़िया खातिरदारी हो रही है, मज़े आ रहे हैं पूरे इसी में बैठ के। तो भाई लोग अभी फ़िलहाल घर पर आ चुके, और अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा 7 बजने वाले हैं, और मैंने आते हुए ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि आते हुए मैं नहीं बना सकता था, क्योंकि मम्मा और मैं अकेले आए हैं रिक्शा से, तो सही नहीं होता वो बनाना, फिर कोई आकर कैमरा ले जाए कैसे व्लॉग बनाऊंगा मैं, ये है ना, तो इसलिए नहीं बनाया था। अभी वीवू भी घर पर नहीं आया, उसे देखते कितनी देर में आएगा। और यहाँ पर हमारे कान्हा जी
राधा रानी और राधा रानी का मुकुट देखो भाई, कितना सुंदर लेकर आई थी मम्मा। ऐसा लग रहा है सीता माता बैठी हैं। तो अभी तो यही है भाई, थक गए काफ़ी ज़्यादा, डेट शीट भी आ गई पेपर की, पढ़ना भी है। तो अभी जब भी वो आएगा ना तब दिखाता हूँ। अभी आ चुके हैं नाजिम भाई की दुकान पे, और देख लो यहाँ पे ये बैठ चुका है, अपनी कटिंग करवा रहा है। ये देखो होगी कटिंग, देखो क्या बना दिया इसका, लड़की सामने देखो लड़की बना दी भाई। देखते हैं कैसी होती है। तो भाई अब चलते हैं घर पे, और ये देखो ये कह रहा था मेरी शक्ल तुम दिखाते नहीं हो बार बार, तो देख लो भाई ये शक्ल मैं इसकी दिखा देता हूँ। चलो टी शर्ट पहनो, जल्दी चलते हैं घर पे, चले घर पे चलते हैं फटाफट से। फिलहाल घर पे आ चुके हैं, और यहाँ कान्हा जी की जोत जलने वाली है, और सब्जी वब्जी भी लेकर आए हैं थोड़ी सी भाई, रोज़ की रूटीन है ये तो। चलो कोई नहीं, और उसकी कटिंग भी हो चुकी है, वो उधर अपनी पढ़ाई कर रहा है, घर पे आती पढ़ाई करनी चालू कर दी इसने, बहुत अच्छी बात है ये। पहला पेपर ही साइंस का है ना, टफ़ पेपर, टफ है, कोई नहीं कर ले पढ़ाई, कर ले आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो वो अपने बता रहा है जान मुझ के मेरे बाल छोटे करवा दिए, ये देख लो ये बाल छोटे हो गए, बाल छोटे हो गए। तो भाई ये थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, वो वहाँ पर क्या कर क्या है मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आया। चलो कोई नहीं, और ये यहाँ पे चौथ हो रही है घर पे, पापा को रात का खाना देने, और ये दोनों बच्चे देखो नोट्स वगैरह सब लेकर आ चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये भी अपना लैपटॉप खोल के बैठा हुआ, देखो किस तरह से बैठा हुआ है साफ, देखो बंदे का टेंशन वाली ज़िंदगी जीता हुआ। और यहाँ अपना खाना क्या क्या है आज, बूंदी का रायता, हाँ, और ड्राई आलू मटर की सब्जी, ओके चलो लेकर आते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि रास्ते में भाई मैं GoPro लेकर नहीं जा रहा, फ़ोन है फ़ोन से नहीं बनाऊंगा ना, रात का समय कोई ले गया तो एक बार हो चुका मेरे साथ ये काम, अब नहीं करूंगा। चलो घर चलते हैं, फिर आता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अब आ चुके हैं घर पे, और दोनों बच्चे हैं हमारे घर से बाहर, यानी वो खेलने गए अपना क्रिकेट विकेट, पता नहीं क्या क्या खेलने गए मुझे नहीं पता, तो नीचे आके पता चलेगा जब वो लोग आएंगे। कपड़े सुखाने सुखा देना, बारिश हो रही है कोई बात कोई नहीं। यहाँ हमारा मिट्टू, ये देखो कैसे डर के मारे बोलेगा, ये देखो 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 देखो, कोई नहीं बच्चा यार खाना खाते हैं, और उस लोग को यहीं एंड करूँगा, मैं यहीं एंड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे करना है खाना खाना है और एडिटिंग करनी है। अब इसकी पिटाई करूँगी, किसकी पिटाई है मेरे हाथों से मांगी अब, ये अच्छा बहुत डरता है लगा थप्पड़, कोई नहीं। तो इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल दिया करो, भाई को बहुत अच्छा लगेगा। और इस ब्लॉग में और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लाइक के साथ, और शेयर तो यार कर ही दो, क्योंकि अच्छे अच्छे रोड डेली व्लॉग आने वाले हैं, और अभी एक प्लान बन रहा है मेरा कहीं जाने का, वो आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा, मैं कहाँ जाने का विचार बना रहा हूँ। अच्छी जगह जा रहा हूँ, धार्मिक जगह जाऊँगा, गलत जगह नहीं जाता मैं कभी भी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, भाई सब्सक्राइब जरूर कर देगा, आज एक सब्सक्राइबर आया लेकिन आया जरूर है, कोई बात नहीं और दो चार आ जाए करो, अच्छा लगेगा आपके भाई को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।